हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो हमारे पास एक ही सीपीयू को इस्तेमाल करते हुए हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकें एक ही टाइम में। यानी जिस तरह के आप लोग इस तरफ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही सीपीयू मौजूद है जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे पास एक ही मौजूद है। लेकिन अगर इसी फिगर में आप इसकी लेफ्ट पर देखें तो हमारे पास मल्टीपल काम हो रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा काम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं वर्ड भी रन कर रहा हूँ, मैं ईमेल्स भी चला रहा हूँ, मैं वेब ब्राउजर्स भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तमाम काम मैं एक ही वक्त में कर रहा हूँ एक ही सीपीयू को यूज़ करके। तो ये हमारे पास काम जो है पॉसिबल बनाया जाता है, मुमकिन बनाया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल करके। इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को कैसे मुमकिन बनाता है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग दो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानें, जो कि एक होता है सीपीयू बर्स्ट और दूसरा होता है आईओ बर्स्ट। यहाँ पे आईओ से मुराद हमारी इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट। इस वीडियो में और अपनी दीगर और वीडियोज़ में हम लोग इनपुट आउटपुट को आईओ के नाम से ही पहचानेंगे। हमारा जो सीपीयू बर्स्ट है, ये हमारे पास हमारे प्रोसेस का वो टाइम होता है जिसमें वो सीपीयू को इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी अगर मेरे पास कोई भी मेरा एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल P1, और वो जिस टाइम में अपने सीपीयू को इस्तेमाल करेगा उस टाइम को मैं नाम देता हूँ सीपीयू बर्स्ट का। और जिस टाइम में वो किसी भी आईओ डिवाइस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को इस्तेमाल करेगा उसको हम लोग नाम देते हैं आईओ बर्स्ट का। इस चीज़ को हम आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइम स्क्रीन पर आप लोग हमारे पास दो प्रोसेसेस देख सकते हैं, एक है प्रोसेस वन और एक है प्रोसेस टू। इस प्रोसेस वन में आप लोग देख सकते हैं कि पहले फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए, जिसे हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के लिए, सीपीयू को इस्तेमाल करता है और फिर उसके बाद इसको जरूरत पड़ जाती है आईओ की, तो ये चला जाता है अगले कुछ सेकंड फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के लिए किसी आईओ डिवाइस के पास। फॉर एग्जांपल उसने मॉनिटर को यूज करना था या कीबोर्ड को यूज करना था या किसी भी और आईओ डिवाइस को यूज करना था। जब वो उसको यूज करके अपना काम कंप्लीट कर लेता है फिर उसको दोबारा जरूरत पड़ती है सीपीयू की, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड ही के लिए। फिर इसी तरह जब वो सीपीयू को एग्जीक्यूट कर लेता है तो उसको दोबारा फॉर एग्जांपल आईओ की जरूरत पड़ जाती है। एंड में जिस तरह हमने कोई रिजल्ट शो कराना है तो उसकी हमें उसके लिए हमें मॉनिटर की जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो हमारे पास टाइम है, जो पहले 5 सेकंड और ये जो येलो वाला दूसरा टाइम आप यहां पर देख सकते हैं 5 सेकंड का, जिसमें हमारा प्रोसेस हमारे सीपीयू को इस्तेमाल कर रहा है, इस टाइम को हम लोग नाम देते हैं सीपीयू बर्स्ट का। और जिस टाइम में हमारा ये प्रोसेस आईओ डिवाइस को यूज कर रहा है यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज कर रहा है उसको हम नाम देते हैं आईओ बर्स्ट का। इन्हीं सीपीयू बर्स्ट और आईओ बर्स्ट की मदद से हमारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हमारा एक सीपीयू था जिसकी हमारे पास एक टाइम लाइन गिवन है, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0 सेकंड थे और ये हमारे पास आगे आके हमारे पास 5 सेकंड हो गए, फिर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, और इसी तरह हमारा जो है इसका ये टाइम चल रहा था, ये हमारा सीपीयू है। अब फॉर एग्जांपल हमने अपना प्रोसेस वन स्टार्ट किया तो प्रोसेस वन पहले 5 सेकंड के लिए उसको सीपीयू चाहिए तो वो यहां पे हमारे पास आके रन होना शुरू हो जाएगा और सीपीयू जो है हमारे पास यूटिलाइज होगा, यानी सीपीयू हमारे पास इस्तेमाल होगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि सीपीयू हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले 5 सेकंड के लिए आप लोगों ने देखा कि हमारा जो सीपीयू है वो यूटिलाइज होगा। अब उसके बाद अगले 3 सेकंड के लिए यानी 5 से लेकर 8 सेकंड के लिए हमारा जो सीपीयू था वो फ्री होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो P1 है वो कहाँ चला गया है? किसी आईओ डिवाइस के पास, यानी अपने आईओ बर्स्ट के लिए चला गया है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा P1 था ये हमारे पास चला जाएगा किसी आईओ डिवाइस के पास। अब जब ये 5 सेकंड के बाद किसी आईओ डिवाइस के पास चला गया तो हमारा सीपीयू क्या हो गया? फ्री हो गया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इस तरह काम करते हैं कि ये जो मेरे पास सीपीयू का फ्री टाइम है इसमें हम लोग सीपीयू को फ्री नहीं रहने देते। हम कहते हैं कि हमारा सीपीयू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो और वो किसी भी टाइम में फ्री ना रहे। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा दूसरा प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल ये जो था प्रोसेस जिसका सीपीयू बर्स हम लोग फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं 3 सेकंड का था, इस सीपीयू का ये जो हम इस प्रोसेस का जो सीपीयू बर्स था मैं कहता हूँ कि इस टाइम में मेरे पास वो रन हो जाए। तो यहाँ पर इसके फ्री टाइम में मेरे पास क्या रन हो जाएगा? प्रोसेस
P2। अब आप देख सकते हैं कि पहले 8 सेकंड जब गुजरेंगे तो हमारे पास हमारा प्रोसेस 1 का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया पहले 5 सेकंड में। फिर अगले 3 सेकंड में वो किसी आईओ डिवाइस के पास चला गया था, ये हमारा आ गया था P1 यहां पर अगले 3 सेकंड के लिए, तो इसका आईओ वाला भी कंप्लीट हो गया। और इसी 8 सेकंड तक, ये जो हमारे पहले 3 सेकंड थे फ्री जो थे सीपीयू के, 5 से 8 तक के, इसमें हमने अपने प्रोसेस 2 का भी पहला सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट कर लिया। तो आपने देखा कि हमने 8 सेकंड में टोटल काम कितना कर लिया, 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 सेकंड का काम हमने अपने 8 सेकंड में कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही हमारा ये सीपीयू इसका बर्स्ट खत्म होगा, इसको आईओ की जरूरत पड़ जाएगी, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये चला जाएगा किसी आईओ डिवाइस के पास, फॉर एग्जाम्पल इधर। और हमारा P1 जो है, जब उसका आईओ बर्स्ट कंप्लीट हो गया, तो ये अगले 5 सेकंड के लिए दोबारा किधर आ जाएगा, सीपीयू बर्स्ट के लिए, यानी सीपीयू के पास। तो फॉर एग्जाम्पल 8 प्लस 5, हमारे पास 8 प्लस 5 इज 13 सेकंड, यहां पर दोबारा जो है सीपीयू के पास हमारा क्या आ जाएगा, P1। अब सीपीयू यहां पर ख्याल रखेंगे, जब P2 के पास था तो P2 ने 3 सेकंड के बाद फ्री कर दिया था, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि अगले 5 सेकंड के लिए उसको जरूरत थी आईओ की, तो वो आईओ के पास चला गया था, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चला गया था, और सीपीयू हमारा फ्री हो गया था, जिसको हमने दोबारा किसको दे दिया, P1 के सीपीयू बर्स्ट 2 को, यानी इस वाले सीपीयू बर्स्ट को। अब यहां पे हमारा अगले 5 सेकंड के लिए 8 से 13 सेकंड तक प्रोसेस 1 दोबारा चलेगा, और P2 हमारा जो है इस आईओ बर्स्ट पे आ जाएगा। अब यहां 13 सेकंड तक हमारे पास जो है, हमारे प्रोसेस 1 का यहां तक काम कंप्लीट हो गया, और प्रोसेस 2 का ये यहां तक आईओ बर्स्ट वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हमारे पास ये 5 सेकंड गुजर जाएंगे, यानी 13 सेकंड के बाद, तो दोबारा अगले 3 सेकंड के लिए हमारा जो प्रोसेस 1 था वो आईओ के पास चला जाएगा, तो ये यहां से उठ के दोबारा हमारे पास आईओ डिवाइस के पास, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए आ गया, और हमारा सीपीयू जो है वो यहां पर फ्री हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल पहले की तरह मैं यहां पे कहूंगा कि नहीं, मैं अपना सीपीयू फ्री नहीं छोड़ना चाहता, मैं उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहता हूं, और इसको मैं असाइन कर दूंगा किसको, प्रोसेस 2 को। और यहां पर आप देखेंगे कि 13 सेकंड तक इसका आईओ कंप्लीट हो चुका था, और अगला उसको अब सीपीयू की जरूरत पड़ गई थी। तो अब हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 5 सेकंड का सीपीयू बर्स्ट था, तो ये अब 13 से लेकर आगे 18 तक जो है अपना सीपीयू यूज करेगा, और फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि इसको 1 सेकंड का जो था आईओ चाहिए था, तो ये 18 के बाद जब अपनी सीपीयू बर्स्ट को कंप्लीट कर लेगा तो आईओ के पास आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये कंप्लीट काम जो है हमारे पास, अगर हम लोग इस मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की मदद से करें तो कितनी देर में कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम इसको दोबारा चेक करें तो 0 से 5 ये रन हुआ, फिर 5 से 8 इसका ये भी हो गया, और इसका पहला सीपीयू बर्स्ट भी हो गया, फिर 8 से 13 हमारे पास इसका ये वाला सीपीयू बर्स्ट हुआ, और इसी टाइम में इसका ये आईओ बर्स्ट 2 कंप्लीट हो गया, फिर 13 से आपके पास यहां पर जो था हमारे पास अगले 5 सेकंड के लिए इसका सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट हुआ, और 18 यानी 13 सेकंड पे इस पॉइंट पर हमारे सीपीयू का ये वाला बर्स्ट जब कंप्लीट हुआ तो उसको आईओ की जरूरत पड़ गई, और वो हमारे पास आ गया यहां पर अगले 3 सेकंड के लिए, यानी 16 सेकंड तक हमारा जो है, 16 सेकंड पे हमारा जो प्रोसेस 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 18 सेकंड तक हमारा ये सीपीयू पे चला प्रोसेस 2 जो था, 13 से अगले 5 सेकंड ये चला, और फिर 1 सेकंड और लगा के उसने अपना आईओ कंप्लीट किया, और 19 सेकंड तक जो था हमारे दोनों प्रोसेसेस जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को शेयर किया मल्टी प्रोग्रामिंग की मदद से, यानी हमने अपने सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज किया, हमने अपने सीपीयू को क्या किया, मैक्सिमम यूटिलाइज किया, यानी उसको मैक्सिमम इस्तेमाल किया। अगर हम इसी काम को इस मल्टी प्रोग्रामिंग के अलावा करते, और मैं कहता कि नहीं, पहले मेरा प्रोसेस 1 शुरू से लेकर आखिर तक चलेगा, और फिर मेरा प्रोसेस 2 शुरू से लेकर आखिर तक चलेगा, तो उस केस में हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है। यहां पर अगर हम देखें तो 5 प्लस 3 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16, यानी पहले 16 सेकंड के लिए तो सिर्फ प्रोसेस 1 चल गया, प्लस फिर उसके बाद 3 प्लस 5 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, अगले 14 सेकंड के लिए प्रोसेस 2, तो 6 प्लस 4 इज 10 0 1 कैरी 1 प्लस 1 इज 2 एंड 1 3, यानी जो ये काम हमने मल्टी प्रोग्रामिंग की मदद से 19 सेकंड में दोनों प्रोसेसेस को चला लिया, वही अगर हम ये मल्टी प्रोग्रामिंग ना यूज करते तो ये काम हमारे पास होना था 30 सेकंड्स में।
तो आपने देखा कि कैसे हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज करके एक ही वक्त में दो प्रोसेसेस को हमने रन किया और उनका काम हमने जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लिया। इस सिनेरियो में जब हम लोग सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे होते हैं, जो हमारा यूजर होता है यानी कि जो कंप्यूटर को यूज कर रहा होता है, उसको ये लगता है कि ये दोनों प्रोसेसेस एक ही टाइम में चल रहे हैं। लेकिन असल में आपने देखा कि जैसे ही हमारा सीपीयू फ्री होता है तो हम दूसरे प्रोसेस को दे देते हैं, वरना पहले प्रोसेस को दे देते हैं, यानी सीपीयू को जो है हम लोग शेयर करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग शेयर करते हैं किसको, सीपीयू को, जिसकी मदद से हम लोग एक ही टाइम में मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज करके एक ही टाइम में मल्टीपल काम परफॉर्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।